हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपिका चौधरी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल ऑल इन फॉर हिंदी में। मैं ट्रंप नहीं हूं, मैं अपने लोगों को तड़पते हुए नहीं देख सकता, ऐसा कहना है कोविड-19 पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का। शिवसेना के नेता संजय राउत के साथ इंटरव्यू पे बात करते हुए कोविड-19 के बारे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है कि मैं अपनी आंखों के सामने अपने लोगों को तड़पते हुए नहीं देख सकता। उद्धव ने आगे ये भी कहा है कि महाराष्ट्र में अभी लॉकडाउन जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ पाबंदियों में ढील दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना की वजह से लोगों को जो परेशानियां हो रही है वो इन बात को समझ रहे हैं, लेकिन वो लोगों को मुसीबत में नहीं देखना चाहते हैं। ठाकरे ने कहा कि मैं डोनाल्ड ट्रंप नहीं हूं, मैं अपने लोगों को कष्ट एवं मुसीबत में नहीं देख सकता। ये बात उन्होंने शिवसेना सांसद संजय राउत के साथ एक इंटरव्यू के टीजर में कही है। मुख्यमंत्री ने ये साक्षात्कार पार्टी के मुखपत्र सामना के लिए दिया है। ये साक्षात्कार सप्ताह के अंत में दो भागों में प्रसारित होगा। इंटरव्यू में राउत सवाल करते हैं कि मुंबई के सड़कों पर दोबारा वड़ा पाव कब उपलब्ध होगा। इस पर उद्धव अपना जवाब देते हैं, मुंबई के लोग लॉकडाउन से उब गए हैं। इस पर मुख्यमंत्री कहते हैं कि कई प्रतिबंधों में ढील देना शुरू किया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह नहीं दिखना चाहते हैं, जिनकी इस महामारी से निपटने के लिए आलोचना की हुई है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए। ये वीडियो में दी गई जानकारी के लिए आपकी कोई भी राय में जरूर कमेंट करें। साथ ही अपने सुझाव भी आप दे सकते हैं कि हम भी किस तरह से इस महामारी से बचाव कर सकते हैं। साथ ही वीडियो दूसरों तक जरूर शेयर करें। और भी इसी जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑल इन फॉर हिंदी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ऑल इन फॉर हिंदी सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें, ताकि आप किसी भी खबरों से ना चूक सकें।